हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अजय और आप सबका स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्रीम क्रिकेट 24 में कैसे आप प्लेइंग 11 को चेंज कर सकते हो और लेटेस्ट स्क्वाड को कैसे ला सकते हो, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को जो अंत तक देखते रहेगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक गोल रख देते 100। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई मैच खेलने के लिए सबसे पहले तो क्विक प्ले पे जाना है। यहाँ पर नीचे की तरफ मिलेगा, वहाँ पर टैप करिए। जैसे ही आप वहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप योर टीम और ओपोनेंट टीम, तो योर टीम में आप देख सकते हो। आप आईपीएल मैच खेलना चाहते हो यहाँ पर भी खेल सकते हो, आईपीएल और भी ओडीआई इंटरनेशनल ओडीआई मुकाबला खेलना चाहते हो वो भी खेल सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो। ओपोनेंट टीम जो भी आप लेना चाहते हो यहाँ पर राइट साइड में आपको मिल जाएगा, देख सकते हो। वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो जो भी टीम से खेलना चाहते हो। मैं यहाँ पर खेलने वाला हूँ श्रीलंका की टीम के साथ। तो तो गाइस बैटिंग लाइनअप चेंज करने के लिए यहाँ पर योर लाइनअप पे टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पर आपको अपना आपका स्क्वाड देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ड्रैगन ड्रॉप करते हुए आप बैटिंग ऑर्डर को जो है चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव है, उसको मैं 3 नंबर पे लेके आना चाहता हूँ। तो ड्रैगन ड्रॉप करते हुए 3 नंबर पे मैं लेके आ गया। और प्लेयर को जो है अगर रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, यानी कि अगर यहाँ पर में से मैं एक प्लेयर को निकाल के दूसरा प्लेयर को अगर मुझे लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्वाप पे क्लिक करना है बदलने के लिए। और मैं दुबे को मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट बदले में यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ संजू सैमसन को। तो संजू सैमसन देख सकते हो, नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा, जितने भी प्लेयर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर आपको टैप करना है। तो जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद वापस आपको बदलने के लिए ना तो स्वाप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक प्लेयर को यहाँ पर संजू सैमसन को मैंने ले लिया। तो संजू सैमसन को मैंने जो है टैप किया, उसके बाद स्वाप प्लेयर पे टैप किया और यहाँ पर देख सकते संजू सैमसन जो है यहाँ पर प्लेइंग 11 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है प्लेयर को रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आप प्लेइंग 11 खिलाना चाहते हो अपनी टीम में उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो अभी क्या करने का, आप यहाँ पर डिफ़िकल्टी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में डिफ़िकल्टी कितना ओवर का मैच खेलना चाहते हो यहाँ पर खेल सकते हो बस। और प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और टैप वहाँ पर करना है। जैसे टैप करेंगे तो मैच शुरू हो जाएगा और गेम प्ले का मज़ा लीजिए। और इसी तरह से आप जो है मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप अपने टीम को चेंज कर सकते हो, प्लेइंग बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 को जो चेंज कर सकते हो, अपने स्क्वाड को जो है अपडेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को पसंद वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड को, किसी भी तरह का सवाल है सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में जितना ही मेरा नाम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।